साथियों मैं बहुत बारी जां बहुतात दे विच नवजोत सिंह सिद्धू की नुक्ताचीनी की होगी, पर जे कोई विरोधी जां दुश्मन भी चंगा काम करे तो उसकी तारीफ जिहड़ी ओह जरूर करनी चाहीदी है, क्योंकि मेरा कोई भी जिंदगी दे विच सियासी जां निजी मफाद नहीं रहा कि मैं चोण लड़नी है, मैं किहड़े हलके तो लड़नी है, मैं किसी नूं डीफेम करना जां थल्ले सुटना, इहो जी मंशा लैके मैं कदी भी नहीं चलिया। बस लड़ाई जिहड़ी है हमेशा इहो रही है कि लोगों को कोई गुमराह ना कर सके, भावें उहदे विच नवजोत सिंह सिद्धू होवे, भावें मुख्यमंत्री होवे, भावें कोई विरोधी धिर दा नेता होवे, लड़ाई चाहे छोटी लड़ी चाहे वड्डी लड़ी है पर हमेशा सूबे अते सूबे दे लोकां दी लड़ी और तत्थां दे उत्ते लड़ाई लड़ी है। बहुत ही वार जिहड़ी कामयाबी मिली है तुहाडे सहयोग दे नाल, पर कई वारी वड्डे राक्षसां दे अगे बेवस भी होना पिया वा, पर अपनी जिंदगी दे विच अपने फर्ज तो ना कदी पिछे हटिया वा, उहदे च भावें जित्तां भावें हारां पर अपना जिहड़ा फर्ज हमेशा जिहड़ा उह निभाउंदा रहा वा। हुण मैं गल करन लगा सार नवजोत सिंह सिद्धू दी कि जो अज कल बोल रहे आ, मैनू नहीं पता सार नवजोत सिंह सिद्धू की मंशा की है, पंजाब लई इंसाफ जां पंजाब की अगवाई करनी उन्हां दी मंशा है, ना ही मैं उस गल दे विच पैना चाहुंदा कि उन्होंने एम पी सीट क्यों छड्डी, उन्होंने कुरुक्षेत्र की जिहड़ी एम पी वाली सीट उन्होंने दिंदे सी उह क्यों छड्डी, जिहदा बार बार जिक्र करदे आ, उन्होंने राज्यसभा सीट क्यों छड्डी, उन्होंने वजीरी क्यों छड्डी, उन्होंने पी पी सी सी दे प्रधान तो अस्तीफा क्यों दिता ते क्यों वापस लिया, और बेअदबी ते पंजाब दे होर मुद्दियां दे उत्ते इन्नी देर चुप क्यों रहे, इस बारे मैं कुछ नहीं कहना चाहुंदा। पर मैं हुण समूह पंजाबियों नूं अपील करदा कि पिछले दिनों तो जो नवजोत सिंह सिद्धू बोल रहा जां जो गल कर रहा वा उहदे उत्ते गौर करो, वो ठीक कह रहा, तुसी पंजाबी जिहड़े ओ ठगे जा रहे हो, वो ठीक तुहानूं कह रहा कि तीन महीनों दीआं सहूलतां इन्हां ने पौने पांच साल अगले तुहाडा खून चूसना इन्हां दित्तीआं सहूलतां ने, वो कह रहा कि बिजली जिहड़ी सस्ती जां फ्री जां पेट्रोल डीजल जिहड़ा सस्ता कीता जा रहा वा, की ये अपनी सरकार नूं पुछ रहा भी की ये पांच साल सस्ता रहूगा, इहदा को हल ते दसो भी किवें सस्ता रहूगा, जां जिवें स्टार्टिंग दे विच जियो दा फोन आया सी ते सारी दुनिया नूं फ्री दित्ता सीगा पंजाब दे विच, और लोकां नूं इहो जी आदत लगी भी अज भी मेरा ख्याल है भी 80-85% लोक जियो दा फोन वरतदे आ, जां किसे नूं फ्री पहलां नशा दित्ता जांदा और जदों उहनूं उहदी आदत पै जांदी है ते फिर उह बंदे दा सारा कुछ ही विक जांदा वा, ਉਹ ਹਾਲਤ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲਹਿਜਾ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਲਹਿਜਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੀ ਐਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਭਰਿਆ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਿਓਗੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਿਓਗੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਿਓਗੇ, ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਫ੍ਰੀ ਜਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਪਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸੋਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਕੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਬੱਤੀ ਸਸਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਸਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਵਧਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੂਗੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵਾ, ਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵਾ, ਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਿਵਾਏ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ 18-31 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀਓਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 18-31 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ 31 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਂ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ
माफिया टुटन की बजाय जिन्ना क जिनी क मैनू समझ आ पंजाब की जो मैनू लग रहा तुसीं सारा पंजाब चन्नी साहब एम एल ए जिन्हें भी है उन्होंने हवाले कर दिता कि अपनिया मर्जियां करो जिवें मर्जी लुट्टो मैनू तंग परेशान ना करो तो सिद्धू नाल जाके मैनू खराब ना करो बस मेरे तीन महीने कढ़ा दिओ कि तुहाडी भी मंशा इहो ही नज़र आ रही है। मैं तुहानू यह कहना चाहुंदा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह वेले वो जिदा का मर्जी सीगा कैप्टन अमरिंदर सिंह वेले कम से कम जे को मुद्दा जोर शोर नाल चुकया जांदा सी ना विरोधियों नूं भावें उन्हूं माड़ा चंगा बोल के चुकया जांदा सीगा उहदे ध्यान च लिआंदा जांदा सी आ उह भावें उन्हूं बदनामी दे डरों रोकदा सीगा जां उहदी सोच समझ इहो जी सी कि इहदे नाल मैनूं को खतरा वा जां मैनूं मेरी सरकार जाण दा खतरा वा उहनूं रोकण दी कोशिश जरूर करदा सीगा पर तुहाडे राज दे विच किसे एम एल ए किसी मंत्री के खिलाफ बोलो तो मेरा ख्याल है जानों मारन तक दियां धमकियां गन पॉइंट के उत्ते अगलियां नूं चुप कराउण की कोशिश की जाती है। मैं तुहानूं पुछना चाहुंदा कि यह कांग्रेस की सरकार है जां पंजाब तालिबान बन गया भी इत्थे तालिबान का राज आ भी इन्नी खुल तुसीं मतलब अपने एम एल ए मंत्रियों दे दित्ती भी अपनी कुर्सी बचाउण लई इहदे नाल पंजाब दा उजाड़ा होना वा बहुत वड्डियां वड्डियां जिहड़ियां ठगियां ते वड्डे वड्डे राक्षस जिहड़े पंजाब दे सोर्सां ते बैठे ने चाहे वह रेत है चाहे शराब है अज उहदे विचों हल की होया। इहदे नाल मैं नवजोत सिंह सिद्धू नूं भी बेनती करदा कि रब दा वास्ता भरावा चोण जित्ती भावें हारी ते गैब ना होवी जिद्दां तूं 2-2 साल गैब हो जांदा वा साडे वर्गे लोकां नालों तैनूं किते लोक वध सुणदे आ तेरे तेनू मतलब जो तू लाइव ना वा बड़ी दुनिया तेरी ताक ला के बैठी होंगी आ भी ये की बोलन लगा तो की बोलूगा। मैनू पहली बारी महसूस होया भी चौं पंजां दिनां तो जिहड़ियां तू 4-5 प्रैस कॉन्फ्रेंस कीतियां वा बिल्कुल तत्थां दे नाल तुसीं कर रहे हो। मैं तुहानू कहना चाहुंदा कि डी जी बदलिया जाए ए जी बदलिया जाए चाहे वह ना बदले जाण पर आस करदा कि जिन्ने जोश नाल ते जिन्ने तत्थां दे नाल अजकल तू बोल रहा वा उहदे उत्ते तुसीं कायम रहोगे ते पंजाब दी बिजली पेट्रोल सस्ता डीजल सस्ता बिजली सस्ती ये 5 साल किवें देने वा इहदा जिहड़ा जवाब आ उह सरकार को तुसीं जरूर लैके दोगे। और अखीर दे विच मैं तुहानूं इह कहण लगा सिद्धू साहब मैं तुहाडी जे तुसीं चंगा काम कर रहे हो ते मेरा कोई तारीफ करना कोई मेरी ईगो प्रॉब्लम नहीं है कि मैं छोटा हो जाणा वा। मैं तुहानूं इह कहण लगा कि अज कल तुहाडा गुरु ग्रंथ साहब दे प्रति भी बहुत प्यार जिहड़ा जागया तुसीं बेदबी दे उत्ते भी इंसाफ मंग रहे हो इहदे नाल नाल मैं तुहानूं इह कहना चाहुंदा कि इहदे उत्ते टिके रहो और मैं आस करदा अखीर दे विच कि गुरु महाराज दे उन्हां शब्दां दे उत्ते तुसीं जरूर पहरा दिओगे इस वार पंजाबियां नूं धोखा दे के जां चुप चपीते गैब नहीं हो जाओगे इन्हां शब्दां दे उत्ते पहरा दोगे कि देश शिवा बरमोहे है शुभ करमन ते कबहू ना टरू और सो जब जाए लरूं निश्चय कर अपनी जीत करूं जे लगे हो तो फिर लगे रहो। धन्यवाद।